गुड इवनिंग एवरी वन एंड वेलकम टू टूडेज मैजिक बुक रीडिंग सेशन। आज हम हैं डे 28 पे, लास्ट चैप्टर जिसमें कोई असाइनमेंट दी गई है। मतलब आज का चैप्टर हमारा लास्ट असाइनमेंट वाला चैप्टर है। कल का चैप्टर क्लोजर है। जैसे इंट्रोडक्शन का एक पूरा एक घंटे का अपना था चार अलग अलग टॉपिक्स पे, तो वैसे ही कल का चैप्टर क्लोजर है, क्योंकि आज का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा छोटा है, अभी 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कल का दिन बहुत ज़्यादा लंबा ना चला जाए, इसलिए कल के थोड़े से टॉपिक्स आज कवर कर लेंगे हम लोग, ताकि कल की क्लास एक घंटे में ही खत्म हो जाए, ज्यादा लंबी ना चले। तो कल के बाकी डे 27 का होमवर्क किस किसने किया, कैसा लगा अपने आप से बात करके, अपने आप को ग्रेटफुलनेस देख के मिरर में देख के, किस किसने दिया? मैंने दिया। कैसा लगा? उठ के तैयार होते ही कांच के दर्पण के सामने खड़ी थी, खुद को आई लव यू बोला, फ्लाइंग किस दी, बहुत अच्छा लगा। अभी भी कांच मिरर खोल के बैठी हूँ सामने। वेरी गुड। यस, हु एल्स? हु एल्स कौन शेयर करेंगे? और प्रिया दी? मैंने भी किया। हाँ, मैंने भी किया था, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी ये तो 24 आवर्स की थी एक्सरसाइज, लेकिन अभी इसको डेली कम से कम एक दो बार तो करें ही करें। अपने आप को खूब तारीफ करें अपनी, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, फिजिकल एट्रीब्यूट हो या आपके कोई स्वभाव का कोई एट्रीब्यूट हो, किसी को भी थैंक यू बोल सकते हैं आप, ज़रूर बोलें, अपनी तारीफ ज़रूर करें। यस, एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग? कोई भी मैजिक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन, कोई शेयरिंग? नो? चलिए फिर चैप्टर शुरू करते हैं। अट्ठाईसवां दिन, जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है। अच्छा, पहले आज की पिक्चर देखते हैं। पहले जादू को याद रखें। जादू हर कहीं है, देखो इस फोटो में भी हर कहीं है, बस वो हमें दिखाई नहीं देता था। ये कोर्स करने से अभी हमें दिखाई देने लग गया है, हमारी आंखें और कान खुल गए हैं। सो अब इसको बंद ना होने दें, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस छूटी और फिर से हम वैसे ही पहले के जैसे हो जाएंगे, जैसे 30 दिनों पहले थे। सो इसको याद रखें, जादू के साथ यही चीज है। आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा ये आपके लिए अदृश्य बना रहता है। सो अगर आप लोग भूल जाओगे, प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे, तो फिर ये फिर से गायब हो जाएगा। इसको जितना आप याद रखोगे कि हाँ, आजू बाजू में मेरे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब जगह जादू है, बस मुझे उसको पॉजिटिव रह के अपने पास में बनाए रखना है, तो जितना आप इसको याद रखोगे ना, उतना ही आपके साथ रहेगा। अगर प्रैक्टिस छूट गई, ग्रैटिट्यूड की काउंट योर ब्लेसिंग छूट गई, मैजिक रॉक छूट गई, तो ये चला जाएगा वापस। हिंदी बैच बहुत रेयरली मेरा फॉर्म होता है, इसलिए आप लोगों के साथ तो ये और ही बड़ा चैलेंज हो गया है अब, कि भाई बिना सेशन के कैसे इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें। सो बिल्कुल भी प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए आप लोगों की, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस छूटती है ना, तो फिर से बैच में आना पड़ता है, तभी जाके वो प्रैक्टिस फिर से बनती है। कितने सारे पुराने बैचमेट्स हैं, आपका बैच कंप्लीट हो गया तो मेरे 91 पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे कल। सो आउट ऑफ 91 कितने सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो वापस चाहते हैं कि मैं मॉर्निंग बैच करूं या रात का 9 बजे का बैच करूं, ताकि वो लोग आ सके और वो फिर से प्रैक्टिस शुरू कर सके, क्योंकि वो प्रैक्टिस छूट गई उनकी और अब वो फिर से कर नहीं पा रहे हैं। सो ऐसा प्लीज ना करें, क्योंकि हिंदी का बैच फॉर्म होना वाकई में थोड़ा सा मुश्किल की बात है। इतने सारे बैचेस, ये देखो 8वां 7वां बैच है जो हिंदी में हुआ है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट कब होगा, कैसे होगा। जल्दी कर लेना, जल्दी करें। माता जी पूरी दमानी फैमिली को रेफर कर दीजिए, कर देंगे हम। रेडी 2-3 जन। अच्छा जी, सो आज कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ लेता हूँ। या थैंक यू। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती है वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती है। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे, तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी भी बार कर लें।
इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। सो ये बात कर रही है काउंट योर ब्लेसिंग की। काउंट योर ब्लेसिंग की एक्सरसाइज इतनी ज्यादा पावरफुल एक्सरसाइज है कि बस अब कोर्स कर लिया ना अपन ने, एक बार अपना ऑरा क्लीन हो गया, एक बार अपनी फीलिंग्स डीप हो गई, दिल से महसूस करना आ गया हमको चीजों को, तो बस अब इसको कंटिन्यू रखने के लिए क्या करना है, अपने को याद रखने के लिए क्या करना है अपने को जादू को, कि उसको काउंट योर ब्लेसिंग को आप कंटिन्यू रखें। कल वाले चैप्टर में ये रिकमेंडेशंस देंगी कि अगर आपको रिलेशनशिप में मैजिक अभी भी नहीं हुआ है, हो रहा है हल्का सा शिफ्ट हो रहा है, जो भी आपका ड्रीम है उसमें हल्का सा शिफ्ट हो रहा है, लेकिन उस एरिया में अभी भी पूरा जादू नहीं हुआ है, तो ये चैप्टर वाइज बताएंगी, सॉरी एरिया वाइज बताएंगी कि आपको सिर्फ इस एरिया में मैजिक चाहिए तो कौन से चैप्टर की एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रखनी है। तो इसलिए कल की क्लास मिस ना करें और काउंट योर ब्लेसिंग की एक्सरसाइज छूटने ना दें। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएगा। आप ये सवाल पूछकर यह जादू अभ्यास शुरू कर सकते हैं, तो कौन सी ऐसी चीजें थी जो कल हुई थी। हाँ, तो अभी अपने को काउंट योर ब्लेसिंग करने का एक इन्होंने थोड़ा सा चेंज दिया है कि सिर्फ पिछले दिन की ब्लेसिंग्स लिखनी है। जैसे अभी तक तो अपन पेड़ पौधे, आर्मी, नेवी, इनको भी बीच में ले आते थे, लेकिन अब ये कह रही है कि सिर्फ पिछले दिन के क्या क्या अच्छा हुआ, यानी कि अपन जो मैजिक रॉक करते समय सोच के सोते हैं, वही ये कह रही है अगले दिन सुबह लिखने के लिए आज की असाइनमेंट में। और याद करने के लिए ये आपको हिंट दे रही है, हिंट क्वेश्चन, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। तो जैसे जैसे आप ये क्वेश्चन पूछते जाओगे, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें ऊपर आती चली जाएंगी, जैसे बुलबुले ऊपर आते हैं पानी में वैसे। जी, जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या ये मेरा अटक गया है या मासा जी का अटक गया है? एम आई ऑडिबल आया था जिससे आपकी लंबी समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाहे चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? सब कुछ भी इनमें से जो क्वेश्चंस लिख के दिए हैं इन्होंने, तो एक्चुअली ये एक्सरसाइज तो हम करते ही आ रहे हैं काउंट योर ब्लेसिंग। ये थोड़ा सा उसमें और हेल्प करने के लिए आपको क्वेश्चंस दे रही हैं कि क्या ऐसा हुआ था, क्या वैसा हुआ था, क्या। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। कभी भी आप देख लेना, जैसे ही आप सवाल पूछते हो ना कि यार ये कैसे करूं, ये कैसे करूं, ये कैसे करूं, चार बार पांच बार जैसे ही आप मतलब दिमाग में अपने वही सवाल रहता है तो जवाब अपने आप आता है, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा कि ऐसे करके देख लेते हैं। मेरे यहाँ पे एक शावर कर्टेन आया था, ऑनलाइन शॉपिंग करी थी, तो मैं शायद बता चुकी हूँ ये बात पहले भी कि 9 फिट का ऑर्डर करना चाहिए था मुझे, मैंने 7 फिट का ऑर्डर कर दिया गलती से। कैसे हुआ ये गलती मुझसे पता नहीं, बट हो गई अब। और आते ही मैंने उसमें वो रिंग्स डाल दी, तो छेद कर दिए, तो अब वो रिटर्न भी नहीं कर सकती मैं उसको। तो अब ठीक है, थोड़ा सा लटका दिया उसको, जैसा 7 फिट का था वैसे ही लटका दिया, लेकिन ऑब्वियसली वो कोई काम का तो था नहीं, क्योंकि नीचे से तो पानी बह नहीं रहा था, बाथरूम तो गीला हो ही रहा था। तो बार बार मैंने, मेरे दिमाग में यही था कि अब मैं इसको कैसे यूज करूँ, इसका मैं कैसे
इसको वापस अपने पर्पस में, जो पर्पस था उसको कैसे सॉल्व करूं। बार बार मेरे दिमाग में यही सवाल था उस पूरे दिन कि क्या करूं यार मैं इसका। बार बार उसके सामने खड़े होकर मैं ऐसे सोचे जा रही थी क्या करूं मैं इसका, क्या करूं मैं इसका। फाइनली आंसर क्या आया कि चौड़ाई तो इतनी नहीं चाहिए होती है ना शावर कटिंग की, चौड़ाई से काट के लंबाई में जोड़ दो। तो आंसर आता है, जो जो लेडीज खाना, जो जो जन लेडीज ही नहीं, जो जो जन खाना बनाते हैं या किचन में काम करते हैं, तो उनको एक ये कोई भी शीशी खाली दे दो ना, तो अपने आप उन वो शीशी खाली दो दिन तक रखी रहेगी, तीसरे दिन उसमें कुछ ना कुछ भर ही देंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि पहले हमारे पास में शीशी का वो नहीं था, मतलब वो चीज़ रखने की जगह नहीं थी, लेकिन कुछ भी खाली मिलते ही हम उसको भर देते हैं। हमारा दिमाग बोलता है अरे इसको ऐसे कर दे तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो कोई भी चीज़ हो, हमारा दिमाग उसको यूज़ करने में लग जाता है। हमारे दिमाग को कोई भी सवाल पूछा जाए वो उसका जवाब तुरंत खोज के निकाल लेता है। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की तहत को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीज़ें छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं, यह तो इस बात बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो बेसिकली वो छोटी से छोटी भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि भाई हस्बैंड ने कल एक जोक सुना दिया था तो वो उस पर मुझे बहुत हंसी आ गई थी, तो वो इतनी छोटी सी बात भी हो सकती है। या फिर कोई मुझे बड़ी सी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो गई, वो भी हो सकती है। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, छोटी बड़ी डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि हम कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। 2 रुपए का डिस्काउंट मिला, 1 रुपए का डिस्काउंट मिला, वो भी हो सकता है, और कोई 1 get 1 free मिल गया वो भी हो सकता है। सो छोटी बड़ी नियामत मैटर नहीं करती, क्या मैटर करता है कि आप कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हो उस पिछले दिन के वरदान के लिए। बात यह जादू करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों की केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होते हैं, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है, और जब आप इनकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध भव्य हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। एब्सोल्युटली। सो जादू को याद रखें अपने लाइफ में, काउंट योर ब्लेसिंग करते रहें, बिल्कुल छूटे ना। काउंट योर ब्लेसिंग के साथ साथ में आप मैजिक रॉक भी ना छोड़ें, और जो छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में अपने लाइफ का हिस्सा बनाई है, जैसे शायद मैजिकल फुटस्टेप, वो 100 कदम थैंक यू बोलते हुए, या शायद बिलों पे थैंक यू लिख रहे हैं आप लोग डेली, या शायद हेल्थ का वो कार्ड देख के थैंक यू बोल रहे हो, या वो करेंसी नोट को देख के थैंक यू बोल रहे हो, या वो मैजिक चेक को देख के थैंक यू बोल रहे हो, शावर ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, सेल्फ लव जो कल सीखा हम लोगों ने वो अब आप डेली करने वाले हो, जो भी एक्सरसाइज आप अपने खाने को थैंक यू बोल रहे हो, जो भी एक्सरसाइज आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना चुके हैं उसे भूले ना, क्योंकि जादू को फिसलते ना टाइम नहीं लगेगा, फिर से अपन पहले जैसे हो जाएंगे। और पता है कि पहले जैसी लाइफ जीने में मतलब कोई मज़ा नहीं है, असली मज़ा तो यही लाइफ जीने में है। तो इसलिए जो पिछले दिन के वरदान है उसकी कोई निश्चित संख्या तो हो नहीं सकती, क्योंकि कोई दिन बहुत अच्छा चला जाता है तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, और कोई दिन कम अच्छा जाता है, कोई कुछ खास नहीं होता है तो उसमें कम चीज़ें मिलेंगी आपको थैंक यू बोलने के लिए। तो लेकिन फिर भी आज का असाइनमेंट ये है कि कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। अब इसकी कोई नंबर नहीं दी है उन्होंने,
कि कितने हैं, हो सकता है कल के 3 ही हो सकता है कल के ही 10 निकल जाए। जी जादू अभ्यास क्रमांक 28, जादू को याद रखते हैं। एक, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 228 नियामतें लिख चुके हैं। 280 कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें कि कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सत्ता को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। 3, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादू सब धन्यवाद कहें। 4, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों को संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। थोड़ा ऊपर कर ले, थोड़ा ऊपर कर दे, कर दिया कर दिया। आज रात सोने से ठीक पहले आप जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू मासा जी फॉर रीडिंग। आज मेरा थोड़ा सा इंटरनेट का स्पीड, आज रात सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर को थामेंगे, उसको थैंक यू बोलेंगे, कल सवेरे अपनी नियामतें गिनेंगे। अब तक अपन 280 नियामतें लिख चुके हैं, मतलब पहले दिन जो लिखी थी ना वो पढ़ के देखो थोड़ा सा, मतलब क्या खुशी महसूस होती है कि वाह मैंने इतनी सारी लिख ली और मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं थैंक यू बोलने के लिए। सो बहुत अच्छा महसूस होता है। अपनी जर्नल एक बार आज जरूर पढ़ के देखिएगा। कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें। जो हम मैजिक रॉक की एक्सरसाइज करते हैं रात को वो तो अपन बोल के करते हैं पत्थर को पकड़ के, लेकिन आज का होमवर्क ये है कि उसको आप लिख के करें। सिर्फ आज आज के लिए, आज आज के लिए पूरे दिन की वो करें, कैसेट रिव्यू करें और जो अच्छा था उसको थैंक यू लिख के बोलें। यस, एनी क्वेश्चंस? इजी है क्वेश्चन होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इजी है ये चैप्टर। इन्होंने सिर्फ मेरे को लगता है इसलिए डाला ताकि अपनी 28 डे की जर्नी पूरी हो जाए, वरना ये चैप्टर तो अपन करते ही आ रहे हैं, प्रैक्टिस में है ही है हमारे, है ना? यस नो मे बी, बात तो करो भाई कोई, नहीं तो मुझे लगेगा मेरा इंटरनेट में चला गया और मैं ही बोल रही हूं। नहीं नहीं यस 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 अच्छा ठीक है, तो हो गया ये वाला तो चैप्टर तो अब... हाँ आरती जी, नहीं अभी तो ऐसा है कि मतलब हर चीज में हम पॉजिटिव ही चीज ढूंढते हैं। अभी तो ऐसा लगता है कि हर चीज ही पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव हो भी, नहीं नहीं इसका रीजन ये होगा कुछ पॉजिटिव। यस, कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव छुपा है। वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो जैसा कि मैंने कहा कि आज का चैप्टर बहुत छोटा है और कल का बहुत लंबा है, तो कल का थोड़ा पोर्शन अपन आज कवर कर लेते हैं ताकि कल की क्लास 1.5 घंटे की बजाय 1 ही घंटे में खत्म हो जाए। और आप लोग मुझे बढ़िया बढ़िया रिव्यूज प्लीज दीजिए। मेरा जो भी 28 दिन का आपका एक्सपीरियंस रहा, जो भी मैजिक्स देखने को मिले सब नोट डाउन करें आप एरिया वाइज। मैं कल पूछूंगी कि भाई हेल्थ में क्या मैजिक हुआ तो फिर अपने मैजिक्स बताइएगा, फिर पूछूंगी मनी में क्या हुआ तो वो फिर उस हिसाब से बताइएगा, जो जो आपको एक्सपीरियंस हुआ वो सब कल बात करेंगे उसके बारे में। सो कल के चैप्टर का थोड़ा सा अपन आज पढ़ लेते हैं, आपका जादुई भविष्य। सो भविष्य मतलब एक टेलीस्कोप से दूर गैलेक्सी में अपन देख सकते हैं ना, दूर के सितारे पास नजर। ओके ओके, किसी का तो माइक ठीक नहीं है आज। तो दूर का पास में नजर आता है ना, वो चांद सितारे सब पास में नजर आते हैं, तो वैसे ही मैजिक को आप इससे इसने डिपेक्ट किया है कि दूर का भविष्य में जो मैजिक होने वाला है उसको टेलीस्कोप से पहले ही देख रही है वो। सो आपका जादुई भविष्य कौन पढ़ेंगे? मैं पढूं?
हाँ जी शो आप अपने जीवन के निर्माता है और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप अपनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है, न ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। ये मासी की आवाज में पीछे किस 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 सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है या सबको सुनाई दे रही है? जैसे वो ईयर प्लग का कुछ इशू होता है वैसे सबको सुनाई दे रही है? थोड़ा मासी उसको ईयर प्लग को ठीक कीजिए। हाँ, तो आप अपने जीवन के निर्माता है और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। अग्री है हम लोग सब इससे, आई एम श्योर, है ना? तो हमने एक बेस बना लिया है, क्या बोलते हैं उसको, अरे उसको क्या बोलते हैं, इमारत के नीचे जो बनती है वो बुनियाद, हाँ बुनियाद है ना यहाँ पे लिखा हुआ। सो एक नीव फाउंडेशन, थैंक यू। सो फाउंडेशन बना ली है हम लोगों ने ऑलरेडी एक 28 डे की प्रैक्टिस कर करके। अब उसके ऊपर फ्लोर चढ़ाने हैं हमारे को। कितनी लंबी बिल्डिंग बनाओगे आप, कितनी ऊंची बिल्डिंग बनाओगे, इसकी कोई हद नहीं हो सकती है। बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है ये कि आप कितना डे बाय डे प्रैक्टिस कर करके अपने स्ट्रांग करते हो, अपने ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को, अपने ऑरा को कितना और पॉजिटिव करते चले जाते हो। इतना पॉजिटिव हो जाते हैं कुछ कुछ लोग कि मुंह से जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। कंटिन्यूस एक साल की जब मैंने प्रैक्टिस कर ली थी ना, तो डर लगने लग गया था मुंह से बोलने में कुछ, कि जो बोलते हो वो सच हो जाता है। मुझे ही समझ में आने लग गया था कि यार मैं कुछ भी गलत सोचूं और वो हो जाता था। एक दिन एक नल के लिए मैंने बोल दिया था, अरे ऐसे करोगे ना टूट जाएगा, लो अगले दिन टूट गया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, डर लगने लग गया मुझे बोलने से। मैंने कहा अब मैं एक हफ्ते ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करूंगी ताकि थोड़ा सा लूजन अप हो जाऊं। मैं इतने पावर की ना वो आदत नहीं रहती है हमारे को, इतनी पावर्स आ जाती है हमारे में और डेफिनेटली आप में भी आ सकती है वो। मैं भी आप जैसी नॉर्मल इंसान हूँ, बस डेली प्रैक्टिस किया इसलिए वैसे ही हो गया, और छूटी तो फिर काफ़ी दिनों तक छूट गई थी। तो इसलिए छूटने ना दें इसको। ये छूटती है तो फिर वापस पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है इस जादू को ना। एक बार आपकी लाइफ में आ गया है तो इसको छोड़े ना, प्रैक्टिस कंटिन्यूस रखें। चाहे 10 लिखने का टाइम ना मिले ना, तो 8 ही लिख के उठ जाए, काउंट योर ब्लेसिंग, लेकिन लिखें सुबह ही, भले ही वो 2 बाद में रात को लिख लें, लेकिन सुबह ही लिखें इस असाइनमेंट को। एक दिन की हमने चीटिंग करी तो वो कब 2 दिन हो जाएंगे, कब 4 दिन हो जाएंगे, कुछ पता नहीं। और फिर हम तो है ना, डिफॉल्ट सेटिंग हमारी नेगेटिव, तो फिर फट से हम घुस जाते हैं अपनी दीन दुनिया में जिसमें हमें नहीं जाना है। जी, कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है, कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। हाँ, तो कृतज्ञ व्यक्ति शिष्ट और सुखद कहलाता है। मतलब कोई अगर प्रैक्टिस करता है थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड तो उसको बोलते हैं हाँ भैया बहुत अच्छा नेचर है उसका, बहुत ही सुखद नेचर है उसका। कृतज्ञता से भरे हुए कार्य कोई करता है तो हाँ भाई बहुत काइंड है वो, बहुत ही उदार दिल वाला है वो, बहुत ही मतलब बड़े दिल वाला है वो। लेकिन कृतज्ञता को जीना, द वन हु लिव्स ग्रैटिट्यूड इज द वन हु रीचेस मतलब ऑलमोस्ट हेवन, हेवनली फीलिंग आ जाती है, स्वर्ग को छूने के समान होता है कृतज्ञता को जीना। टू प्रैक्टिस इट इज समथिंग, बट टू लिव इट इज समथिंग एल्स। बात बात में कृतज्ञता निकले, सोच सोच में कृतज्ञता निकले, इतनी प्रैक्टिस हो जाए आपको तो मतलब फिर तो सद्गुरु लेवल हो जाएगा अपना एकदम। जी, यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते
करते हैं उतनी ही गहराई से महसूस करते हैं, इसमें उतना ही कम समय लगेगा। मार्गदर्शक के रूप में क्या आवाज मेरे लिए कट रही है या सबके लिए कट रही है? मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? ठीक है यहाँ तो ठीक है, अभी तो बराबर सुनाई दे रहा है। अच्छा मतलब मेरे प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा तो मेरे को यहाँ पे ये हाईलाइट करना था कि बुनियाद को कायम रखना है और अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। तो न केवल हमको वो जो एक बेस बना लिया है उसी को मेंटेन रखना है ग्रेटिट्यूड को, बल्कि उसके ऊपर और बनाते जाना है। जी सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का और तीसरे दिन जादुई धन का। तो ये एक थोड़ा सा हिंट दे रही है कि भाई अगर सिर्फ मेंटेन करके रखना है आपकी लाइफ में आपको ग्रैटिट्यूड, तो फिर सप्ताह में 3 दिन आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो और काउंट योर ब्लेसिंग, मतलब काउंट योर ब्लेसिंग 3 दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस अपने कोई भी 2 अन्य जादुई अभ्यास इसमें मिला सकते हो। चाहो तो आप चैप्टर 19 मिला सकते हो, चाहो तो आप चैप्टर 18 मिला सकते हो, चाहो तो चैप्टर 3 मिला सकते हो, जो भी आपका एरिया है वो मिला सकते हो। सप्ताह में 3 दिन कर लेने से, अभ्यास कर लेने से आपका मेंटेन्ड रहेगा। जी सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। 4 दिन करेंगे अगर अपन काउंट ऑफ ब्लेसिंग का असाइनमेंट और 3 कोई और दूसरे चैप्टर्स की असाइनमेंट मिक्स कर लेंगे तो न केवल कृतज्ञता कायम रहेगी बल्कि जादू में वृद्धि भी होती रहेगी। जी सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 5 दिन अगर अपन काउंट योर ब्लेसिंग करेंगे और 4 अदर असाइनमेंट्स मैच कर देंगे उसके साथ में, मतलब चैप्टर 3, 19, 18, 20 ऐसे कर लिया आपने, मिक्स कर लिया, तो आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी, ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाएगी आपकी हैप्पीनेस। यस सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे किमियागर बन जाएंगे जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। तो हमें तो एल्केमिस्ट ही बनना है, किमियागर ही बनना है, इसलिए प्लीज अपनी प्रैक्टिस ना छोड़ें। सप्ताह में 6 या 7 नहीं, सप्ताह में 7 के 7 दिन करें, क्योंकि एक दिन की गुच्ची मारी ना हमने तो फिर वो हाँ कल कर लूंगी, आज नहीं किया कल कर लूंगी, अरे कल नहीं कोई बात नहीं परसों कर लेंगे, चलो परसों नहीं हुआ तो तरसों कर लेंगे, ऐसे करते करते दिन कब छूट जाएंगे, एकदम प्रैक्टिस छूट जाएगी आप लोगों के हाथ से। अगेन आई एम सेइंग, मैं हर बैच में ये बोलती हूँ पता है, लेकिन हर बैच में वाले है ना हार्डली कोई एक इक्का दुक्का लोग ही ना अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको कंटिन्यूस, और जिनकी छूट गई है उनको वापस वही टाइम का बैच चाहिए ताकि वो प्रैक्टिस फिर से बने। अब मैं कैसे करूँ, सारे बैचेस तो नहीं ले सकती ना, मैं मॉर्निंग भी ले लूँ, रात का भी ले लूँ, दोपहर का भी ले लूँ। सो प्लीज़ अपना अपना खुद प्रैक्टिस बनाए रखें, आप लोग अपने मैजिक बडीज बनाओ, एक दूसरे के साथ में चेक करो तूने लिखी नहीं लिखी जाके लिख ऐसे रोज एक दूसरे के साथ में चेक करो, अपने अपने मैजिक बडीज बनाओ, किसी को भी ले लें आप लोगों में से अधिकतर लोग तो आपस में परिवार हैं तो एक दूसरे को ले लें और एक दूसरे का रोज फोन करके पूछें कि तूने किया काउंट योर ब्लेसिंग आज, नहीं किया कल कर लेना, पक्का से कर लेना, छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल, और फिर कल वापस चेक करो किया कि नहीं किया होमवर्क। सो एक दूसरे के टीचर बन जाओ, यही एक तरीका है, मैजिक बडी का ही तरीका है अपने जादू को अपनी लाइफ में बनाए रखने का। 7 days is my recommendation, प्लीज ये जो बुक बोल रही है 3 दिन 4 दिन
बोल रही हैं वो सही बात है, लेकिन वो एक्चुअली छूट ही जाता है। हम सोचते हैं कि चार दिन कर लेंगे, पर वो चार दिन होता नहीं है, वो बाकी के तीन दिन की तरफ गायब हो जाता है, छूट जाता है वो। यस, जादू अभ्यास की अनुशंसाएं अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं। आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो और भी अच्छा है। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती है जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम तीन सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशासित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। तो संबंध, इन्होंने अपने इन्होंने अपने तरफ से रिकमेंडेशंस दी हैं एरिया वाइज कि अगर आपको इस पर्टिकुलर एरिया में मैजिक चाहिए तो ये वाली असाइनमेंट्स भी आप कंटिन्यू रखें। सो काउंट योर ब्लेसिंग और मैजिक रॉक तो करनी ही है, छूटनी ही नहीं चाहिए, वो तो एकदम नहीं छूटनी चाहिए। कम से कम तब तक नहीं छूटनी चाहिए जब तक आपकी ड्रीम लिस्ट पूरी नहीं हो जाती है। जो हमने डे 13 पे ड्रीम्स लिखे हैं वो तो सिर्फ 3, 5 या 10 ही लिखे हैं आप लोगों ने, कुछ कुछ ही लिखे हैं। सो जब तक एटलीस्ट वो पूरे नहीं हो जाते तब तक नए वाले ऐड नहीं कर सकेंगे हम लोग, जो डे 0 पे लिखे थे और बाकी रह गए, अभी हमारे टॉप 10 में आए नहीं है वो। तो प्लीज़ कभी भी ना छोड़ें काउंट योर ब्लेसिंग और मैजिक रॉक की एक्सरसाइज। प्लस अगर अपने किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको मैजिक चाहिए, जैसे संबंध, तो कौन कौन से चैप्टर करने हैं हमारे को, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप कि ऐसे हर एक चैप्टर का इन्होंने वो दिया है हर एक एरिया वाइज। सो रिलेशनशिप के लिए जादुई संबंध चैप्टर 3, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें चैप्टर 10, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं 15, मैजिकल हील चैप्टर 15, जादुई छड़ी मैजिक वॉन्ड चैप्टर 24, जादुई दर्पण चैप्टर 27, जादू को याद रखें यानी जो अभी आज जो हमने पढ़ा सुबह, मतलब सॉरी शुरू में, यानी कि काउंट योर ब्लेसिंग। सो ये एक्सरसाइजेस करते रहने से आपके रिलेशनशिप में मैजिक्स अपने आप आते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी अगर आपका एरिया ऑफ ड्रीम्स फोकस रिलेशनशिप है। तो सारे बुक नहीं करना चाहते वापस से, तो कम से कम रिलेशनशिप में मैजिक चाहिए तो ये वाले चैप्टर्स करने हैं हमारे को। हर चैप्टर आपने एक एक बार कर लिया है तो इसलिए आपको पता है कि क्या होता है उस चैप्टर में, बस आपको किताब पे जाना है। किताब का PDF आप लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास हार्ड कॉपी भी है। किताब पे जाना है, चैप्टर नंबर खोलना है, उसको हो सके तो पढ़ लें, ना पढ़ना है कोई बात नहीं, असाइनमेंट कर लें। बिना पढ़े भी असाइनमेंट क्या करनी है वो तो याद ही है हमारे को हर चैप्टर की। ठीक है, आपने PDF दिया है क्या? हाँ दिया है ना, एक बार फिर दे दीजिएगा। ठीक है, ओके। स्वास्थ्य में किसी को जादू चाहिए तो जादुई स्वास्थ्य चैप्टर नंबर 5, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें चैप्टर नंबर 10, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार चैप्टर नंबर 16, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं चैप्टर नंबर 23, जादुई छड़ी चैप्टर 24, जादू को याद रखें जो कि आज पढ़ा, यानी कि काउंट योर ब्लेसिंग मानिए इसको। ठीक है, तो अगर हेल्थ में अपने को मैजिक चाहिए तो ये वाले चैप्टर्स करने हैं हमारे को, इनकी असाइनमेंट्स कंटिन्यू रखनी है हमारे को, जितना करेंगे उतना मैजिक आएगा। धन में किसी को मैजिक चाहिए, जादुई धन चैप्टर नंबर 5, अच्छा हेल्थ वाला चैप्टर 4 था, सॉरी पहले मैंने 5 बोल दिया शायद। सो जादुई धन चैप्टर 5, धन का चुंबक चैप्टर 9, मैजिक चेक चैप्टर 17, जादुई छड़ी चैप्टर 24, जादुई दर्पण 27, जादू को याद रखें जो आज पढ़ा हमने। सो धन के लिए ये वाले चैप्टर्स करने हैं आपको कंटिन्यू। करियर में किसी को जादू चाहिए, जादू की तरह काम करना चैप्टर नंबर 6,
हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, चैप्टर नंबर 10, जादुई छड़ी 24, जादुई दर्पण 27। सो देखो, जादुई दर्पण बहुत सारे चैप्टर्स एरियाज में काम आता है। सेल्फ लव, अगर आप सेल्फ लव नहीं करोगे तो ना करियर बन पाएगा आपका, ना धन आ पाएगा आपके आपके पास, ना हेल्थ अच्छी हो पाएगी आपकी। सो प्लीज अपने आप से प्यार करने वाली एक्सरसाइज तो डेली ही करें सभी जने, और जादू को याद रखें, वो तो कॉमन है, काउंट योर ब्लेसिंग तो कॉमन ही है हर किसी में। आपकी इच्छाएं और भी कुछ मटेरियल थिंग्स पाने का जो ड्रीम है हमारा, कार है, बंगला है, ये है वो है, सो उसके लिए कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं कंटिन्यू हमें, हमारे को हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, चैप्टर 10। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें, चैप्टर 13। आपकी नजरों के ठीक सामने, चैप्टर 22। जादुई छड़ी, चैप्टर 24। जादुई दर्पण 27। जादू को याद रखें, चैप्टर 28। सो ये वाली हर मटेरियल थिंग के लिए हमारे को करनी है। अगर कोई पर्टिकुलर कार चाहिए, कोई पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन चाहिए, ये सब इसी में आएगा। स्कूल में एडमिशन एक्चुअली करियर में भी आ सकता है, पर ठीक है, ये वाले ये भी कर सकते हैं हम। नेक्स्ट ये रिकमेंडेशन दे रही हैं, जादुई पत्थर छोड़ना मत भाई, छोड़ना मत, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। काउंट योर ब्लेसिंग और जादुई पत्थर बिल्कुल ना छोड़ें। हाँ जी, पढ़े मासी। आप जादुई पत्थर, आपका जादुई पत्थर, आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं, जब भी आप इसे छूते हैं तो एक बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप कृतज्ञ है। जैसा कि मैजिक रॉक अपने आप में ही एक रिमाइंडर है ग्रेटफुल होने का, तो बिल्कुल ग्रैटिट्यूड देना छोड़े ना आप उसको। वो क्योंकि अपना एलिमेंट अर्थ भी है, तो भी तो इसलिए भी नहीं छोड़ना है उसको अपन को। जहाँ भी आप ट्रैवल कर रहे हो, अभी आप जहाँ भी हैं लॉकडाउन खुल जाने के बाद में, जहाँ भी आप ट्रैवल करें, प्लीज़ अपना जादुई पत्थर कभी भी ना भूलें, हमेशा उसको अपने साथ लेके जाएं। उसकी एक्सरसाइज करके ही सोना है अपने को, डेली प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, काउंट योर ब्लेसिंग और मैजिक रॉक की प्रैक्टिस छूट गई तो ग्रैटिट्यूड चला जाएगा अपनी लाइफ से, वो मैजिक चला जाएगा, फिर से वैसे हो जाते हैं अपन, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे जैसे पहले थे, सब गायब हो जाता है जी। आपकी जादुई धूल, आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें, अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आपके पास आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर भी जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं और बच्चों पर, पौधों या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर, खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल पर वॉलेट, कार, फोन कॉल परिस्थिति पर थोड़ा ऊपर करना, जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। एब्सोल्युटली। सो मैजिक डस्ट एवरीवन वाला जो चैप्टर था उसमें तो हमने सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री के लोगों को थैंक यू बोला था, जो हमारे को मतलब डिलीवरी बॉयज हैं, मेड्स हैं,
न्यूज़पेपर वाला है, दूध वाला है, उसको हमने थैंक यू बोला था उस चैप्टर में। लेकिन आप ये सेम जादुई धूल वाला छिड़काव का चैप्टर किसी के साथ भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ पे कर सकते हो। किसी का मूड ख़राब है उस पर कर सकते हो, कोई लैपटॉप वगैरह आपका चल नहीं रहा है, जैसे अभी मेरा आज इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है तो मैंने अभी अभी किया उसके ऊपर कि भैया थैंक यू तुमने पूरा सेशन करवा दिया अच्छे से, है ना। सो आपके पेड़ पौधे अगर कोई थोड़ा सा मुरझा रहा है उसके ऊपर कर सकते हैं, बच्चा थोड़ा सा घर में आज ज़्यादा ही रो रहा है उसके ऊपर आज कर सकते हैं आप। सो किसी भी चीज़ पे जहाँ आपको लगता है थोड़ा मैजिक की ज़रूरत है उसके ऊपर आप जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हो। खाना बना रहे हो, मेहमान आ रहे हैं, खाने में जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हो कि मेरे खाने की आज बहुत तारीफ होनी चाहिए। सो उस तरीके से जब पॉजिटिविटी के साथ में हम कोई चीज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। सो ये है आज का चैप्टर, कल पढ़ेंगे अपन जादू कभी खत्म नहीं होता के आगे से। तो तारीफ होनी चाहिए या मतलब तारीफ हो गई ये बोलना है? हो रही है तारीफ हुई आज मेरे खाने की तारीफ हुई, आज खाना बहुत अच्छा बनाया। या हिंदी में ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है मेरे। यस प्रेजेंट टेंस में बोलना है कि तारीफ हुई, आज तो खाना बहुत अच्छा बना है। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस लेट कमर्स, एनी शेयरिंग्स, एनी क्वेश्चंस? हाँ जी, अभी जो जादुई रॉक है अपने पास में पत्थर है, ये अपना अपने पास ही रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। नहीं, उनको उनका लाके दे दो। थैंक यू जी। यस, any more questions? दीदी आपने जो पेज नंबर बताए हैं, जो आपने चैप्टर्स के बताए, तो वो बुक्स तो हमारे पास नहीं है। पीडीएफ ये पेज नंबर नहीं बताया मैंने, चैप्टर नंबर बताया मैंने, पीडीएफ भेज रखा है आप लोगों को, तो चैप्टर नंबर से निकालें आप। अच्छा, तो जो आपने आपके बैच उसमें भेजा हुआ है वो आप बोल रहे हैं क्या दीदी? अच्छा, उसमें पेज नंबर दिए हुए क्या आपने? नहीं, उसमें ये जो अभी पीडीएफ हम पढ़ रहे हैं वही पीडीएफ उसमें अंदर है। अच्छा, सेम चैप्टर्स है उसी में, ये उसी पीडीएफ जो पीडीएफ आप लोगों को भेजा है उसी की कॉपी से पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। और हम लोग जैसे ना ये 30 दिन का जो 30 रिकॉर्डिंग है फिर कंटिन्यू 1 से लेके 30 तक सुनना चाहे तो वो कैसे होगा? क्योंकि जो आया वो तो शायद डिलीट कर दिए क्या? मतलब दो चार मैंने प्राइवेट कर दी है बीच में, लेकिन मैंने पब्लिक कर दी है। आप लोगों का बैच तो पब्लिक कर दिया है काफी कुछ, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई मेरे को, तो मैं लिंक भेज दूंगी जहाँ उस फोल्डर का जहाँ सारी 0 से लेके वो है। अगर किसी को कोई पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग प्राइवेट है और अगर नहीं दिख रही है तो एक मुझे मैसेज भेज देना, मैं उसे पब्लिक कर दूंगी। YouTube पे तो पूरा सब्सक्रिप्शन कर लिया तो पूरा मिल जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। YouTube पे सब्सक्राइब कर लो, उसमें प्लेलिस्ट जहाँ लिखा हुआ, मेरे चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट जहाँ लिखा हुआ है वहां जाओगे तो सारे बैचेस की रिकॉर्डिंग है। तो आपका बैच है बैच नंबर 7, तो बैच 7 का फोल्डर खोल के देखोगे तो सारे आपके, आप बैच 7 का फोल्डर खोलोगे तो सारी रिकॉर्डिंग्स उसमें है, सब कुछ, विजुअलाइजेशन, रिव्यूज, जो भी है छोटा बड़ा सब उसी में है। पर फिर भी मैं लिंक भेज दूंगी। ठीक है, क्योंकि मैं अफर्मेशन वगैरह सब उसी पे से ही करती हूं। हां जी, एनी मोर क्वेश्चंस? आज मेरा इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे ही चलना चाहिए। यस, नो क्वेश्चंस, नो डाउट्स, नो शेयरिंग्स। ठीक है, फिर कल रिव्यूज प्लीज बना लें, और मेरा जो फेसबुक पे पेज है उस पे भी प्लीज रिव्यूज लिखें, रिकमेंड करें इसको, पेज को कैसे करते हैं उसकी स्क्रीनशॉट्स मैं बना के भेज दूंगी कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ फिर इसको रिकमेंड करो, मतलब लिंक भेज दूंगी पेज का, वहां पे लिखा हुआ आएगा वुड यू लाइक टू रिकमेंड ग्रेटिट्यूड विद अनुपमा, तो यस नो का ऑप्शन आएगा, यस करके नीचे आप कुछ लिखना चाहें अपने रिकमेंडेशन में तो वो एक कॉलम आएगा और फिर अपडेट कर सकते हैं आप उसको।
आप एक बार कर दें रिकमेंडेशन तो प्लीज मुझे भेज दीजिएगा कि आपने कर दिया, क्योंकि कभी कभी वो मुझे दिखाई नहीं देता है। सेटिंग्स पब्लिक ही रखें अपने रिकमेंडेशन की, क्योंकि एक पब्लिक पेज है, और कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दें उसके ऊपर प्लीज, कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ या रहती हूँ इस तरीके से। हाँ मम्मी जी क्या जरूरत है। ओके आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? यस नो मे बी नहीं आ रही। अभी आ रही है मेरी आवाज? हेलो नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ जी वो इंटरनेट क्या बोल रहे तो वापस बोलिएगा, तो वो कुछ नहीं सुना क्या बोल रही थी मैं। हाँ पेज पे जाके लिखिए, पब्लिक रखिएगा अपने रिकमेंडेशन को, नहीं तो वो पब्लिक को दिखाई नहीं देगी, और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज्यादा ना डालें उसमें। ओके 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 गो ऑन म्यूट। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज्यादा उस पर ना डालें, क्योंकि ये पब्लिक पेज है, तो बस ज्यादा कुछ नहीं लिखें, बुक के अपने रिव्यूज लिखें कि बुक का सेशन कैसा लगा आपको, ये वो, ज्यादा अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दें उसके अंदर, है ना? यस मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी कि कैसे। बैच नंबर कितना बताया है? 7 है आंटी, 7। आज सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा आंटी को पता नहीं, मेरा आवाज दे रही है अभी तो आ रही है, वो मंजूषा जी का आया तुम सब। 7 है आंटी, 7। हाँ वो आज थोड़ा इसको, ओके थैंक यू इसको लॉग आउट करना पड़ेगा अभी पूरा, और फिर से रिफ्रेश करके डालना पड़ेगा, टेम्प फाइल्स शायद बढ़ गई है इसकी। चलिए फिर कल मिलते हैं 4 बजे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन टुडे, सी यू ऑल टुमारो। आंटी आंटी थैंक यू।